श्री अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे मरम्मत कार्य के लिए आज की रात बंद रहेगा। इस दौरान रामबन से बनिहाल के बीच मरम्मत का काम किया जाएगा। 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 17 स्थानों को तत्काल मरम्मत के लिए चुना गया था। वीरवार यानी आज शाम 7 बजे से उधमपुर के जखैनी चौक और जम्मू के नगरोटा से शाम 6 बजे के बाद घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। इस दौरान शुक्रवार सुबह मरम्मत कार्य पूरा होते ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर आज जीएमसी श्रीनगर प्रशासन ने स्नातक कक्षाओं के क्लास वर्क को 8 जून तक स्थगित करने का आदेश दिया है, साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। बुधवार को एक गैर स्थानीय मेडिकल छात्र द्वारा आपत्तिजनक एक पोस्ट को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गैर स्थानीय छात्र ने पोस्ट हटाने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था, पर उसने पोस्ट हटाने से मना कर दिया। पिछले 4 हफ्तों तक 40 डिग्री के ऊपर पारे के बीच प्रचंड गर्मी झेल रहे जम्मू वासियों को बुधवार शाम 5:30 बजे तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में बदलाव आया है। वहीं कश्मीर घाटी में भी बदलते मौसम से तापमान गिरने के साथ ठंडक का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने बताया कि आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए मध्यम वर्षा हो सकती है। शाम के समय गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने के आसार है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी नव निर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। इस बीच अटकलें हैं कि शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार में कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म होने वाला है। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नजर बंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डर कर चले गए, मगर आप डरे नहीं। मुझे गर्व है आप पर, यूपी की जागरूक जनता पर। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी भारी जोश दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। खड़गे के ऐलान के बाद एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इस ऐलान ने चौंका दिया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन के नेताओं को सरकार बनाने से पीछे हटने की सलाह सोनिया गांधी ने दी। उन्होंने बैठक में कहा कि सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन के पास पूरी संख्या नहीं है, ऐसे में यदि वो जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। एनडीए को लोकसभा चुनाव में 293 सीटें मिली है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। सभी एनडीए के साथी दलों ने अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी 9 जून शाम 6 बजे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।